शेर बड़े मांसाहारी स्तनधारी हैं, जो अपने राजसी अयाल और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे बिल्ली परिवार का हिस्सा हैं और अक्सर उन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। चाहे वे नर हों या मादा, शेर निडर शिकारी होते हैं। शेर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और भारत में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में एक छोटी आबादी पाई जाती है। वे प्राइड्स नामक समूहों में रहने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नरों के साथ संबंधित मादाएं और उनके शावक शामिल होते हैं। शेर कुशल शिकारी होते हैं और मुख्य रूप से विभिन्न अंगुलेट्स का शिकार करते हैं। आज हम आपके लिए 8 मोमेंट निडर शेर के अपने शिकार का शिकार करते हुए लाया हो तो कहीं ना जाए। नंबर 8, शेर वर्सेज मगरमच्छ। ये शेर दलदल के बीच में एक अकेले मगरमच्छ पर हमला करते हैं और शेर के बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि ये हिमपाला नहीं है। मगरमच्छ निकटतम शेर पर झपटा मारता है और जो कुछ भी काट सकता है उसे काटने का प्रयास करता है। शेर सभी कोनों से हमला करते हैं, लेकिन मगरमच्छ ज्यादातर लड़ाई में तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करता है। शेरों और मगरमच्छों के बीच भोजन के कारण टकराव होता है। ऐसा नहीं है कि इन बड़े शिकारियों में से एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब वे रास्ते से गुजरते हैं तो ये आमतौर पर भोजन के बारे में होता है। लेकिन इस वीडियो में जब ये शेर झाड़ी में भटकते हुए एक खोए हुए मगरमच्छ पर आते हैं तो शेर घबरा जाता है और फुसफुसाता है। शेर मगरमच्छों पर हमला करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो वे आमतौर पर एक दूसरे को व्यापक स्थान देते हैं। जब ये शिकारी मिलते हैं तो लगभग कुछ भी हो सकता है। इस गौरव के साथ खिलवाड़ ना करें चेतावनी में कहा गया है कि मगरमच्छ समझता है और पानी में वापस लौट रहे शेरों पर पनज नहीं कसता। जब मगरमच्छ शेर की ओर बढ़ने लगता है तो वे हचंभित हो जाता है और अपना मुंह भी खोल देता है। दोनों शिकारियों के बड़े बड़े दांत भी हैं और जब वे एक दूसरे की जांच करते हैं तो शेर मगरमच्छ को कई बार थप्पड़ भी मार देती है। नंबर 7, शेर वर्सेज जंगली कुत्ते। इस वीडियो में ये शेर जंगली कुत्ते पर हमला करते हैं और उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ये अभी तक मरा नहीं है, लेकिन अन्य शिकारियों को इसे खत्म करने में देर नहीं लगेगी। जब ये शेर खुले में जंगली कुत्तों के एक समूह को देखता है तो वे कुत्तों का शिकार करता है, तितर बितर हो जाते हैं और तुरंत अलग अलग तरीकों से चले जाते हैं। शेर असाधारण रूप से तेज होता है और कुत्तों में से एक को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। शेर और अफ्रीकी जंगली कुत्ते खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 जंगली कुत्ते बचे हैं और आसपास के क्षेत्र में उन्हें सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही उनकी उपस्थिति के बारे में दूसरों को सचेत करना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे उदाहरण अपरिहार्य हैं क्योंकि प्रकृति विकसित हो रही है। आगंतुक तब तक हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं जब तक कि जानवरों को गंभीर नियमों के कारण मनुष्यों द्वारा चोट नहीं पहुंचाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हर कोई इस शेर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। एक युवा पिल्ले को पकड़ लेता है और यह समझ में आता है कि शेरों ने वयस्कों में से किसी एक का पीछा क्यों नहीं किया। ये कठोर दुनिया है, लेकिन ये ऐसा ही है। नंबर 6, शेर वर्सेज लकड़बग्घों। यदि आप नहीं चाहते कि आपका स्वागत कक्ष युद्ध के मैदान जैसा दिखे तो शेरों और लकड़बग्घों को एक ही जगह में आमंत्रित न करें। लकड़बग्घे बड़े समूहों में रहते हैं, जिनकी संख्या कम शेरों के लिए बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि फर्क नरों पर निर्भर करता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, नर और एक गर्भित लकड़बग्घे की संख्या एक परिक्षरों से मेल नहीं खाती है, लेकिन चारों ओर से हमला करने वाले लकड़बग्घों का एक समूह विनाश का कारण बन सकता है। ये दो नर शेर एक अकेले लकड़बग्घे पर हमला करते हैं और जब वे दोनों उस पर झपटते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। शेरों को भगाने के लिए कुछ मनोरंजक आवाजें देते हैं और एक शेर रुक जाता है, लकड़बग्घे को काटता है और शोर से हैरान होकर ऊपर की ओर देखता है। दूसरा शेर बेपरवाह लगता है और लकड़बग्घे को मारना जारी रखता है। इन शेर भाइयों द्वारा इस लकड़बग्घे का आसानी से शिकार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। अकेले लकड़बग्घे पतले होते हैं, एक या एक से अधिक शेरों के सामने जीवित रहने की संभावना है, लेकिन एक छोटे शेर के गौरव को लकड़बग्घों के एक चढ़ाई कबीले द्वारा अपने के लिए दोहराया जा सकता है। इस लकड़बग्घे को एक नर शेर ने ले लिया है और लकड़बग्घा अब ऐसा कर रहा है, इस समय शेर से कुछ सुनना चाहता हूँ। नंबर 5,
शेर वर्सेज बगून। ये शेर आसानी से इस पेड़ पर चढ़ जाता है और एक लंगूर को पकड़ लेता है और अपने दोस्त से थोड़ी मदद लेता है क्योंकि वे जमीन पर गिरते हैं। लंगूर को इन बंदरों द्वारा साझा किया जाता है। निश्चित रूप से अच्छे पर्वतारोही होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस वीडियो में अचूक नहीं हैं। शेरनी ने इस बबून को बिना तोपे निकाले ही काट दिया है। बबून की तुलना में दोगुनी तेजी से दौड़ती है, इसलिए जब तक बबून एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं उठते हैं, वे शेर की पकड़ से दूर नहीं हो रहे हैं। ये बबून एक शेर को ललकारता है और उसका पीछा करता है, लेकिन जब बाकी अभिमानी ये देखने के लिए आते हैं कि लंगूर में क्या हो रहा है, लेकिन ये अभिमान से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। नंबर 4, शेर वर्सेज जिराफ। कम से कम 15 शेर इस जिराफ को घेरे हुए हैं। शेर जिराफ के पैरों को पकड़ते हैं, लेकिन जिराफ शेरों को अपने पीछे खींचते हुए चलता रहता है। एक नर शेर ने उसकी पूंछ पकड़ ली है और उससे चिपक गया है। जिराफ को अपना वजन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जिराफ गिर जाता है, खेल समाप्त होता है और नर शेर टावर की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करता है। ये लगभग एक महल की घेराबंदी जैसा लगता है। नर शेर जिराफ की पूंछ को छोड़ देता है और अपनी पकड़ फिर से शुरू करने से पहले अपनी सांस लेने में कुछ सेकंड लेता है। अधिक शेर जिराफ के अगले पैरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिराफ खुद को मुक्त करने के लिए ऊपर नीचे झूलता है। यह सब खत्म हो जाता है जब जिराफ अंततः जमीन पर गिर जाता है। जिराफ बहादुरी से लड़ा, लेकिन बहुत सारे शेर थे। इस शेर के पीछे अपने पंजे लगे हुए हैं। जिराफ की पीठ को कुतर रहा है। जिराफ अपने पैरों पर कुछ और पंक्तियों के साथ चलना जारी रखता है। शेर जिराफ को नीचे गिराने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से संभव नहीं है। जब जिराफ अपनी पीठ पर एकमात्र शेर के बच्चे को जमीन पर उड़ने के लिए भेजता है, जब एक शेर जिराफ पर हमला करता है तो जिराफ गलत कदम उठाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे शेर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका दम खोंच देता है। जब दूसरा शेर शिकार में शामिल होता है तो ये नर शेर एक युवा जिराफ के ऊपर छलांग लगाता है और उसे नीचे लाकर मार डालता है। कुछ ही मिनटों में जिराफ को पता ही नहीं चला कि उस पर इतनी तेजी से क्या प्रहार हुआ। ये नर शेर इस जिराफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिराफ अपनी पूरी ताकत से शेर को लात मारता है और बड़ी शेर की घास से मुक्त होने में कामयाब होता है। इस वीडियो में ये शेर अविश्वसनीय है। इन दो जिराफों के प्रति शत्रुता है और उन्हें दोनों में से छोटे जिराफ को मारने में कोई परेशानी नहीं है। एक शेर गौरव के लिए एक पूर्ण विकसित वयस्क की तुलना में एक बछड़े को मारना हमेशा आसान होता है। नंबर 3, शेर वर्सेज दरियाई घोड़े। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे शेर एक साथ काम करने पर नहीं मार सकते, और दरियाई घोड़े भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ नर शेर एक विशाल दरियाई घोड़े की पीठ पर छलांग लगाते हैं और कुछ ही समय में दरियाई घोड़े को शेरों द्वारा असहाय बना दिया जाता है। वास्तव में हिप्पो के पिछले मांस में एक छेद किया जा रहा है और हिप्पो हिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हिप्पो का व्यवहार असामान्य है। मेरा मानना है कि वे अस्वस्थ है या घायल है। ये शेरनी एक हिप्पो का पीछा करती है और सवारी पकड़ने की उम्मीद में उसकी पीठ पर छलांग लगाती है। 5 वयस्क शेरों से लड़ते हुए घायल कूल्हे का आश्चर्यजनक वीडियो एक वन्य जीव रेंजर द्वारा कैप्चर किया गया था। 2 नर शेर बड़े दरियाए घोड़े के ऊपर रिजलाइन पर सो रहे थे, जो पानी की सीमित आपूर्ति खोजने की कोशिश कर रहा था। दरियाई घोड़े की हरकतों ने नर शेरों को चौंका दिया, जिन्होंने अपने गौरव को जगाया, जो 3 शेरनियों और 4 पिल्लों के साथ आया था। वयस्क शिकारी हिप्पो की पीठ पर काटने और खरोंचने के काम में लग गए ताकि उसे नीचे गिरा दिया जा सके। ऐसा लग रहा था कि लालची अहंकार ने जितना चबा सकता था उससे अधिक काट लिया था, क्योंकि हिप्पो सुरक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। नंबर 2, शेर वर्सेज चीता और तेंदुआ। चीता के पास जमीन पर सबसे तेज स्तनपायी प्राणी है, लेकिन शेर भी पीछे नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि इस वीडियो में दिख रहे चीते को शेर को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो उसका अंत गोमांस बोर्गविग्नन की तरह हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि चीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, एक जगह जमे रहने की बजाय तुरंत भाग जाए। शेर को घूरते हुए जो कुछ सेकंड उसने बर्बाद किए, उनका मतलब
जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। और जब उसने शुरू में दौड़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये एक इत्मीनान से दौड़ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप दौड़ रहे हैं। यदि कोई जानवर आपका पीछा कर रहा है तो आप जानते हैं कि वह आपको खा जाएगा। यदि वह आपको पकड़ लेता है तो आप दौड़ें। ये शेर चीतों के झुंड का पीछा कर रहे हैं जो उनके लिए खतरा है। तीन नर चीते गर्मी में एक दुर्भाग्यपूर्ण मादा चीता का पीछा करते हैं जो गलत रास्ते पर है। गलत समय पर स्थान वासना और सहवास की सहज आवश्यकता से अंधा हो जाता है। लेकिन उनमें से एक को मादा को मारने के बाद मादा का पक्ष लेने के प्रयास में घातक चोट लग जाती है। शेर किसी भी प्रतिद्वंद्वी का पीछा करते हैं जो उनकी संतानों के लिए खतरा पैदा करता है, क्योंकि दूसरा शेर ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि तीसरा हमला घातक होगा। नर चीतों में से एक को दो शेरों ने पकड़ लिया और फाड़ डाला। आश्चर्य की बात है कि इस वक्त के बाद भी अन्य चीतों को ये समझाने के लिए एक और शेर के हमले की जरूरत पड़ती है कि उन्हें तुरंत क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जो वे करते हैं। शुरू में एक शेरनी ने एक बड़ी झाड़ी के नीचे तेंदुए का पीछा किया था जिसने बाद में उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों की मदद ली। अंततः नर शेर उसे मारने के लिए आ गया जिसे झाड़ी के नीचे बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद शेर मैदानी इलाकों में एक दूसरे का पीछा करने लगे और तेंदुआ भटक रहा है। शेरों ने एक बार फिर तेंदुए को घेर लिया। यहीं से ये क्लिप शुरू होती है। तेंदुए के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा ये है कि वे अपने पंजे फैलाकर और दांत निकालकर अपनी पीठ के बल ले जाएं। ठीक यही हो रहा है। तेंदुआ अभी भी जीवित है इस वीडियो के अंत में, लेकिन वे इस उम्मीद में मरने का नाटक कर रहा है कि शेरों की रुचि खत्म हो जाएगी जो वे करते हैं। नंबर एक, शेर भरसिज गजले। ये शेरनी कितनी तेजी से प्रेम के माध्यम से उड़ती हुई आती है और इस गजले को पकड़ लेती है जो बहुत तेज था। शेरनी गजले की गर्दन पर तब तक लटकी रहती है जब तक कि जानवर मर नहीं जाता है। ये शेरनी एक थॉम्पसन गजले का पीछा करती है और अंत में उसे मारने के लिए उसे पकड़ लेती है। ये शेर इस गजले को चुप करा देता है। अपनी गर्दन को कुचल कर हिरनी अपने पैरों को बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शामल दावत में शामिल होते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है। शेर अद्भुत शिकारी होते हैं और बेनिडर होते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।